मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने को लेके बीजेपी के भीतर तो मतभेद सामने आ ही रहे हैं। उधर देखिए फरुखाबाद में बीएसपी की बैठक में क्या हुआ। यहां कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने नौशाद अली पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामा करने वाले कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष नागेंद्र जाटव को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। जब आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया गया तो गाली गलौज और हाथापाई होने लगी। बीएसपी की समीक्षा बैठक में जमकर हंगामा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने किया हंगामा। मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर पर लगाया मनमानी करने का आरोप। नौशाद अली और जिलाध्यक्ष विजय भास्कर को हटाने की मांग। अवनीश गौतम समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सौंपा इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा की समीक्षा बैठक के दौरान अचानक हुए हंगामे से वरिष्ठ नेता हैरान रह गए। हाल ही में हटाए गए जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह जाटव और एक अन्य पूर्व जिलाध्यक्ष के समर्थक काफी गुस्से में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जोनल कोऑर्डिनेटर नौशाद अली ने विजय भास्कर को जिलाध्यक्ष बनाकर संगठन को बर्बाद कर दिया है। इनका कहना था कि अगर नौशाद अली और जिलाध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो वो पार्टी में काम नहीं करेंगे। इनका आरोप था कि दशकों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, संगठन में मनमाने तरीके से लोगों को पद दिए जा रहे हैं। एमएलसी भीमराव अंबेडकर समेत कई स्थानीय नेताओं ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने किसी एक की नहीं सुनी। आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया गया तो गाली गलौज होने लगी। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो लोग किसी भी कीमत पर संगठन विरोधी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद पार्टी में इस्तीफा देने का दौर चलता रहा। सदर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अवनीश दिवाकर समेत 250 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। इनका आरोप है कि नौशाद अली जहां भी जाते हैं वहां इसी तरह के बवाल होते हैं। वो मनमाने ढंग से लोगों को संगठन में लाते हैं। मैंने आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष एसएस कुशवाहा जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हमारे पास कम से कम 200-250 कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ में विरोध किया। बाकी सब लोग अपने स्टूल से खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे, नौशाद अली मुर्दाबाद, नौशाद अली वापस जाओ, नौशाद अली को हटाओ, बसपा बचाओ, इस प्रकार के नारे लगे। और ये सत्य है कहीं ना कहीं तक नौशाद अली जी जहाँ भी जाते हैं वो उनका सिलसिला यही होता है। उससे पहले कहीं भी जगह वो जा चुके हैं और उनकी मीटिंगों में इस कदर के बवाल हो चुके हैं। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उन्होंने इतना ही कहा कि ये परिवार का मामला है और मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर नौशाद अली ने उनका हाथ पकड़ते हुए आगे चलने का इशारा कर दिया। अच्छा, जो भी यहाँ विवाद हुआ, जो विरोध हुआ, वो परिवार की बात घर है हमारा, घर बात का बाहर हो गया, कहीं हो रहा है, देखो शांति से कहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी आगामी लोकसभा चुनाव में बीएसपी को चुनाव में भारी पड़ सकती है। अब देखना ये है कि पार्टी का वरिष्ठ नेता अपने नाराज कार्यकर्ताओं को किस तरह से मनाते हैं। अनिल वर्मा शेखर, समाचार प्लस, फरुखाबाद।